उत्तर प्रदेश में बहराइच की भाजपा सांसद सावित्रीबाई फुले ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फुले ने भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि वो कभी पार्टी में लौट कर नहीं आएंगी। फुले अक्सर अपनी पार्टी के खिलाफ ही विरोधी गतिविधियां अख्तियार करती रही हैं। लखनऊ में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। फुले ने कहा कि भाजपा दलितों का भला नहीं चाहती। एनडीए के शासनकाल में बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़े जाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन मामलों में दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई। बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए फुले ने कहा कि पार्टी नेता बार बार संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एससी एसटी आरक्षण के लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि दलित होने के चलते उनकी पार्टी में उपेक्षा की जाती है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। फुले के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता ने चुटीले अंदाज में कहा है कि डूबते जहाज से छलांग लगाना ही समझदारी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कहीं फुले कांग्रेस का दामन तो नहीं थाम रही। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।